हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के लिए समय निकाल रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया है उम्मीद श्रृंखला के अंतर्गत। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर हमें इलेक्ट्रिकल के बारे में भी कुछ प्रोवाइड करा दीजिए, कुछ मैटर हमें इलेक्ट्रिकल के बारे में भी बता दीजिए, तो उम्मीद श्रृंखला हम इलेक्ट्रिकल के लिए भी लेकर आए हैं। यानी कि आज जो हम उम्मीद श्रृंखला का पार्ट नंबर 4 यहां पर कवर करेंगे, इससे पहले हमने इस श्रृंखला के अगेंस्ट यहां पर 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। हर एक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, और हमारा उद्देश्य है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड करने का। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इंक्लूड करने से होगा ये कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो सेक्शन ए है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछने का, किस तरीके से वो किस लेवल तक के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है इस सीरीज का कि आप लोगों को यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि पूरी 5 यूनिट से क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इससे आपका पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो रहा है कम समय में। तो आपके लिए ये सीरीज कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। और बच्चों के कहने पर ये स्टार्ट की गई है, तो अगर इस सीरीज ने 10-20% भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराया तो बहुत वैल्यूबल होगा आप लोगों के लिए जब आप एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चंस आंसर लिख रहे होंगे। क्योंकि आपको 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 21 मार्क्स, तो अगर 10-20% भी ये सीरीज आपको हेल्प करती है अच्छे मार्क्स लाने में, तो आप हमें बहुत खुशी होगी। और हम जिस उद्देश्य के साथ इस श्रृंखला को लेकर आए थे वो हमें पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को हर बार की तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें। देखिए, आपने पूरे दिन में इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा, अब आप लास्ट में रात को ये सीरीज आती है, तो इस रात की सीरीज वो, यानी कि इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखकर जो आपने दिन में पढ़ा है पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा क्वेश्चंस की फॉर्म में। 2 मार्क्स के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन के आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सबसे पहले सर आप कलर चेंज कर लीजिए पेन का, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमने कर लिया कि व्हाई इज ट्रांसफॉर्मर रेटिंग डन इन द वोल्ट एम्पियर। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि आपका KVA का रेटिंग का मतलब क्या है ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, उसी को लैंग्वेज घुमाकर अब पूछ लिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर में रेटिंग हम देते हैं वो वोल्टेज और एम्पियर यानी कि करंट में ही क्यों देते हैं, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो KVA रेटिंग क्या थी, वो भी वोल्टेज एम्पियर की रेटिंग थी, तो वो ट्रांसफार्मर की क्यों करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि KVA का मतलब क्या है, क्या ये बताती है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ट्रांसफार्मर रेटिंग आर गिवन इन द वोल्ट एम्पियर बिकॉज दे इंडिकेट द टोटल अपीयरेंट पावर। मतलब ये हमें इंडिकेट करती है टोटल अपीयरेंट पावर ट्रांसफार्मर की क्या है, विच इंक्लूड बोथ रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर, जिसमें दोनों इंक्लूड रहती हैं, रियल पावर भी और रिएक्टिव पावर भी। आगे, दिस एंश्योर द ट्रांसफॉर्मर कैन हैंडल द टोटल लोड, यानी कि ये एंश्योर करती है कि ट्रांसफॉर्मर कितना टोटल लोड हैंडल कर सकता है, जिसमें हमने पावर फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है, रिगार्डलेस ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में ही क्यों दी जाती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या ये KVA जो रेटिंग होती है या फिर वोल्ट एम्पियर जो रेटिंग होती है वो ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बताती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द स्लिप इन द इंडक्शन मोटर। इससे पहले हम स्लिप को डिफाइन कर चुके हैं
टॉर्क को डिफाइन कर चुके हैं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है इंडक्शन मोटर के लिए। तो दोनों के रिलेशन की हम बात करें तो फॉर एन इंडक्शन मोटर अंडर हैवी लोड टॉर्क इंक्रीज विद स्लिप, स्लिप के साथ साथ टॉर्क भी इंक्रीज होता है जब हम हैवी लोड की बात करते हैं। टू द रिलेशनशिप इज जनरली नॉन लीनियर, जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में वो लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है, विद टॉर्क पीकिंग एट ए सर्टेन स्लिप बिफोर डिक्रीजिंग। मतलब कहने का ये है कि जो टॉर्क है वो पीक पर पहुंच जाता है किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू ऑफ द स्लिप और उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो लीनियर होता है, यानी कि ये एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन दिखा रही हैं वो नॉन लीनियर रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ टॉर्क की तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस अपॉन आर एस प्लस आर आर की, जहाँ पर आर एस जो है वो आपका स्टार्टर रेजिस्टेंस होता है, आर आर जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि स्टार्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, रोटर का रेजिस्टेंस जो होता है, वो उन दोनों का सम जो है रेजिस्टेंस का, उसको उससे हम डिवाइड कर देते हैं एस को, यानी कि स्लिप की वैल्यू को। ठीक है, क्लियर हुआ। स्लिप की वैल्यू बेसिकली हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। आपने पीछे यहाँ पर देखा होगा कि एस की वैल्यू जब हमने यहाँ पर डिफाइन की थी परसेंटेज की फॉर्म में तो वो क्या थी, यहाँ पर अगर आपको रिमाइंड है तो जल्दी से लिख दीजिए, अदरवाइज हमें पता है कि एस इक्वल्स टू होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा परसेंटेज में डिफाइन हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर ये एन एस जो है वो सिंक्रोनियस स्पीड होती है आपकी इंडक्शन मोटर की, और एन आर जो होती है वो रोटर की स्पीड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे जो कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हम इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर दें स्टार्टर रेजिस्टेंस प्लस रोटर रेजिस्टेंस से तो इट गिव्स द टॉर्क। क्लियर हुआ, तो ये एक रिलेशन हो गया है टॉर्क और स्लिप के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनियस मोटर एंड एसिंक्रोनियस मोटर, यानी कि एसिंक्रोनियस मोटर और सिंक्रोनियस मोटर के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली अगर आपने दोनों मोटर्स पढ़ी हैं तो आपको नॉर्मल 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस पता होगा। जो एसिंक्रोनियस मोटर होती है उसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो सिंक्रोनियस होती है स्टार्टर फील्ड के साथ, वहीं पर जो सिंक्रोनियस मोटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली सिंक्रोनियस होती है विद स्टार्टर फील्ड, यानी कि एसिंक्रोनियस में वो सिंक्रोनियस नहीं होती है स्टार्टर फील्ड के साथ, और सिंक्रोनियस मोटर में वो सिंक्रोनियस होती है किसके साथ, जो स्टार्टर फील्ड होता है। ठीक है, और जनरली एसिंक्रोनियस मोटर का ऑपरेशन होता क्या है कि जो स्पीड है वो, मतलब जो असिंक्रोनियस मोटर होती है वो सिंक्रोनियस मोटर की कंपैरिजन में कम स्पीड पर रोटेट करती है। तो अगर स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंक्रोनियस स्पीड जो मोटर की जो स्पीड होती है वो हाई होती है कंपेयर टू द असिंक्रोनियस मोटर। तो आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको अगर सिंक्रोनियस मोटर और असिंक्रोनियस मोटर के बारे में पता है तो आप किसी भी फैक्टर को लेकर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। तो सिंक्रोनियस मोटर क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है यानी कि रोटर स्पीड इज नॉट सिंक्रोनियस विद द स्टार्टर फील्ड, मतलब स्टार्टर फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है, और ऑपरेशन की बात करें तो इट रन्स एट ए स्पीड स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनियस स्पीड, मतलब ये जो है सिंक्रोनियस स्पीड के कंपैरिजन में स्लाइटली लो स्पीड के साथ रन करता है एस सिंक्रोनियस मोटर। वहीं पर सिंक्रोनियस मोटर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है यानी कि रोटर स्पीड इज एग्जैक्टली सिंक्रोनियस विद द स्टार्टर फील्ड, ये एग्जैक्टली स्टार्टर फील्ड के साथ रोटर स्पीड इसकी सिंक्रोनाइज्ड होती है, और ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेट एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड डिटरमाइंड बाय द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये किस स्पीड से, किस कांस्टेंट स्पीड से ऑपरेट कर रही है ये हम डिटरमाइन करते हैं सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने वहाँ पर दिया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे तो और अदर पॉइंट्स किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
34 की, यहां पर पूछा गया है डिस्क्राइब केसीएल एंड केवीएल विद नेसेसरी सर्किट रिप्रेजेंटेशन, दोनों के नेसेसरी सर्किट रिप्रेजेंट करके केसीएल और केवीएल को एक्सप्लेन करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है सीरीज में, उसमें पूछा गया था कि डिस्क्राइब कीजिए किरचॉप्स लॉज, तो दोनों लॉज को हमने वहां पर डिफाइन किया था, यहां पर दोनों को सेपरेटली नाम के साथ डिस्क्राइब यहां पर कराया जा रहा है और विद द हेल्प ऑफ द सर्किट या विद द हेल्प ऑफ द जिसमें हम बता सकें कि केवीएल और केसीएल किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि जो सबमिशन ऑफ इनपुट करंट होता है किसी पॉइंट पर या किसी भी सर्किट में किसी भी लूप में, तो वो डायरेक्टली इक्वल होता है उसमें से कितनी करंट निकल रही है उन सब के सम के, ठीक है। और वहीं पर वोल्टेज की बात करें तो किसी भी क्लोज लूप में कितने नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हों उनका सब का समेशन जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो जनरली आप लिख सकते हैं द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन और नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब किसी भी एक जंक्शन या नोड पर कितनी करंट आ रही है उनका सम वो डायरेक्टली इक्वल होगा कितनी करंट वहां से निकल रही है उनके एल्जेब्रिक सम के। वहीं पर केवीएल की बात करें तो द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब सभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम यानी कि सभी वोल्टेजेस का जो सम होगा अराउंड एनी क्लोज लूप और ए सर्किट इज जीरो, यानी कि यहां पर जो लूप है वो क्लोज होना चाहिए, सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए, तभी केवीएल लॉज के अकॉर्डिंग सभी वोल्टेजेस का सम जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अब सर्किट की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ये आपका केसीएल की रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर I1 करंट एंटर कर रही है, I2 करंट एंटर कर रही है और I6 करंट एंटर कर रही है, तो दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू हो जाएगा कौन कौन सी करंट निकल रही है, I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है और I5 निकल रहा है, यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5, तो इन सब के सम के इक्वल हो जाएगा आपका आउट करंट जो यहाँ से निकल रही है, क्लियर हुआ। तो ये आपका केसीएल हो जाता है। अगर मैं केवीएल की बात करूँ तो केवीएल क्या है, देखिए ये एक क्लोज सर्किट है और इस क्लोज सर्किट में आपको V1 दिख रहा है, V2 वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, V3 वोल्टेज सोर्स दिख रहा है और V4 वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, तो इन सब का अगर मैं एल्जेब्रिक सम करता हूँ तो इट गिव्स यू जीरो, तो ये आपका किरचॉप्स वोल्टेज लॉ कहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि केवीएल और केसीएल क्या होता है, किस तरीके से इसके स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से और कैसे आप इसको सर्किट की हेल्प से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए एक्टिव एलिमेंट एंड द पैसिव एलिमेंट। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन सी या बी में भी इनको पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेन करा लेता है, लिख देगा डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, तो वहाँ पर पांच छह टर्म्स आपको दे देगा और आपको वन बाय वन करके उनको एक्सप्लेन करना होगा, तो ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए हैं इस सीरीज में तो एक्टिव एलिमेंट आपको पता होगा वे एलिमेंट्स या वे कंपोनेंट्स जो सप्लाई करते हैं एनर्जी की सर्किट में, वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, है ना, आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। और वहीं पर पैसिव एलिमेंट की बात करें तो पैसिव एलिमेंट होते हैं आपके वो जो आपके सोर्स यानी कि जो एलिमेंट्स आपके सर्किट में पावर या एनर्जी ट्रांसमिट या सप्लाई नहीं करते हैं, वो केवल और केवल एनर्जी को स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं, वो आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एक्टिव पैसिव एलिमेंट को, तो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं दैट सप्लाई द एनर्जी टू द सर्किट, जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे कि बैटरीज हो गया या जनरेटर्स हो गया। वहीं पर हम पैसिव एलिमेंट्स की बात करें तो पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं करते हैं सर्किट में, बट स्टोर करते हैं एनर्जी और डिसिपेट करते हैं एनर्जी को, जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, तो दीज आर द एलिमेंट्स जो आपकी एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करने का काम करते हैं। जैसे रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं,
तो ये आपके पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे बैटरी है, बैटरी सर्किट में एनर्जी को क्या करती है, सप्लाई करती है। जनरेटर सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करता है। तो दीज आर द एक्टिव एलिमेंट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ड्राइव दैट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाई ए प्योर इंडक्टर इज जीरो। मतलब जो एवरेज पावर किसी प्योर इंडक्टर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है वो क्या है, जीरो है। ये यहाँ पर ड्राइव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले भी इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमने मान लिया कि एक अल्टरनेटिंग करंट है आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमें पता है जो एनर्जी स्टोर होती है या कंज्यूम करता है आपका इंडक्टर, वो क्या होती है, वो होती है वी इक्वल्स टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी, यानी कि वोल्टेज जो होती है। तो अगर मैं यहाँ पर आई की करंट को, आई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो एल नॉट आई नॉट हो गया। जब साइन ओमेगा टी का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो वहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहाँ से मिल जाएगा। आगे हमें पता है पावर क्या होती है, वी इंटू आई होता है। तो वी की वैल्यू भी हमारे पास है, आई की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। देन फाइनली वी गेट एल आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम एक जो प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को लेकर। यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ द साइन टू ओमेगा टी के, ठीक है। क्लियर हुआ? इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट पावर हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन टू ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपका पी टी की वैल्यू हो जाती है, यानी कि पावर की वैल्यू हो जाती है। ये देखते हैं जो एवरेज पावर होती है ओवर द वन साइकिल इज द इंटीग्रल ऑफ द पीटी ओवर द पीरियड। जो साइकिल का पीरियड है उसके अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इट गिव्स द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी यहां पर, पी एवरेज इक्वल्स टू वन अपॉन टी, और जो इंटरवल है वो जीरो से टी है। और हमने किस क्या करना है, एवरेज पावर निकालनी है, तो पावर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी इंटू डी टी। पीटी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये आप यहां पर पुट कर दिए पीटी की वैल्यू। तो अब आप यहां पर क्या देखते हैं, फॉर द साइन वेव जब एक कंप्लीट साइकिल की हम बात करते हैं तो इट गिव्स यू जीरो। तो दैट मींस सिंस साइन ओमेगा टी इज एन ऑस्किलेटिंग फंक्शन विद जीरो एवरेज वैल्यू ओवर द वन पीरियड। मतलब जो एक पूरा वन पीरियड है साइकिल का, उस पर अगर हम साइन ओमेगा टी की बात करते हैं तो ऑस्किलेटिंग फंक्शन जो है वो जीरो एवरेज वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर जीरो, और जब ये वैल्यू जीरो हो गई है तो पी एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो एवरेज पावर कंज्यूम हो रही है किसमें, प्योर इंडक्टर में, वो क्या है, वो जीरो है। क्लियर हुआ? चूंकि यहाँ पर ड्राइव कराया गया था तो इस तरीके से आपको ड्राइव करके दिखाना है। एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली फॉर्म में पूछा गया कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो प्योर इंडक्टर है उसमें एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है। वहां पर जीरो नहीं बोला, उसने कहा कि एक्सप्लेन कीजिए कितना पावर वो कंज्यूम करता है। तो वो फिर हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में दो टाइप से एक्सप्लेन किया था। आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ड्राइव करने की बात आएगी तो इस तरीके से आपको ड्राइव करके दिखाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीसी मशीन्स। इस क्वेश्चन को भी हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं। यानी कि देखिए, अब आपको एक चीज़ पता चल रही है यहाँ से कि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो वही है, बस क्वेश्चन रिपीट हो होकर अलग अलग लैंग्वेज में या फिर उसी लैंग्वेज में रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हमने बताया था इसमें डीसी मशीन्स, हमने 5 से 6 टाइप्स की डीसी मशीन्स यहाँ पर डिस्कस की थी ब्रीफली। आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 को एक्सप्लेन कर देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे जहन में आता है डीसी संट मोटर। वो क्या होता है, जब फील्ड वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में होती है आर्मेचर के साथ तो वो डीसी संट मोटर कहलाता है। संट का मतलब होता है पैरेलल, और ये क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराती है अंडर द वेरिंग लोड। लोड वेरी भी कर रहा है तो देर इज नो प्रॉब्लम, डीसी संट मोटर आपको कॉन्स्टेंट स्पीड ही प्रोवाइड कराएगा। फिर इसके बाद डीसी सीरीज मोटर आ जाती है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज में कनेक्ट रहती है आर्मेचर के साथ, इससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है और स्पीड वेरीज करती है लोड के साथ। मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही इस आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो
हाई टॉर्क यानी कि हाई टॉर्क वहां पर देखने को मिलता है और स्पीड जो है वो अकॉर्डिंग टू लोड जो है वो वेरी करती है। आगे बात करें, नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड मोटर जो कि कॉम्बिनेशन होता है संट मोटर एज वेल एज द सीरीज मोटर का। तो कंबाइंस संट एंड सीरीज वाइंडिंग जो आपको डीसी कंपाउंड मोटर देती है और ये क्या करती है, वर्सेटाइल परफॉर्मेंस, मतलब डीसी जो सीरीज और संट मोटर की परफॉर्मेंस थी उसका मिक्सअप आपको यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर में देखने को मिल जाता है। तो ये तीन ही हैं आपको इनफ आप डीसी मशीन्स को 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन फर्दर अगर हम बात करें तो एक होती है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, मतलब डीसी जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है नाम से ही हमें पता चल रहा है इस मोटर को हम सेपरेटली एक्साइट करते हैं अलग से एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। तो यानी कि फील्ड वाइंडिंग पावर्ड सेपरेटली, फील्ड वाइंडिंग्स को हम पावर जो प्रोवाइड कराते हैं वो सेपरेटली पावर प्रोवाइड कराते हैं प्रिसाइज द कंट्रोल ओवर द स्पीड एंड टॉर्क, जिससे कि हमारी स्पीड जो है मोटर की या टॉर्क जो है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू द डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इसमें इंक्लूड रहता है संट मोटर सीरीज सॉरी मोटर नहीं संट जनरेटर सीरीज जनरेटर कंपाउंड टाइप जनरेटर है ना। तो डीसी जनरेटर क्या हो गया, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसको भी अगर आप फर्दर क्लासिफाई करें तो ये डीसी संट जनरेटर भी होता है, डीसी सीरीज जनरेटर भी होता है और डीसी कंपाउंड टाइप जनरेटर भी होता है। तो ये डीसी मशीन्स हो गई कुछ, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 2 डीसी मशीन्स आप डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स जो हैं उनको यहाँ पर पूछा गया है। ब्रीफली मतलब इसको लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में आप केबल्स के बारे में यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको लिखना है और अपने एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केबल की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप्स ऑफ केबल में सबसे पहले आपके पास पीवीसी केबल्स आ जाते हैं। पीवीसी केबल्स क्या होते हैं, इंसुलेटेड विद पॉली वाइनल क्लोराइड यूज्ड फॉर द लो वोल्टेज एप्लीकेशन। मतलब पीवीसी केबल्स वो होते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं पॉली वाइनल क्लोराइड से और इनका यूज हम लो वोल्टेज एप्लीकेशन में करते हैं, जहाँ पर भी लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम इन केबल्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर आगे बात करें XLPE केबल्स। ये केबल्स कौन से होते हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं विद क्रॉस लिंकेड पॉली एथिलाइन, यानी कि पॉली एथिलाइन की से ये क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं और सुटेबल होते हैं फॉर द हाई वोल्टेज एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए। मतलब इनका इन पर ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं होगा और हाई वोल्टेज के लिए ये सुटेबल रहते हैं। जहाँ पर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर आप XLPE केबल्स का यूज़ करते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं पॉली एथिलाइन से। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्मोर्ड केबल्स भी आपको देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ केबल्स में, और वो कैसे होते हैं, हैव ए लेयर ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ पर इन टाइप्स ये जो टाइप्स के केबल होते हैं इसमें आपको एक स्टील या एल्यूमिनियम की लेयर भी प्रोवाइड कराई जाती है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज, है ना। और ये यूज होते हैं इन द हार्श एनवायरमेंट, जहाँ पर एनवायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब सही नहीं मानते हैं हम, वहाँ पर हम इन केबल्स का फॉर प्रोवाइड द एडिशनल प्रोटेक्शन वहाँ पर इन केबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिफरेंट केबल्स, जो डिफरेंट टाइप के केबल्स हम अलग अलग जगह पर अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे आपको। 3 टाइप के ये केबल हैं, नॉर्मली 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल करंट आई इक्वल्स टू आई एम साइन अल्फा इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में एक एवरेज वैल्यू साइनोसोइडल वेव की करंट की फॉर्म में आपको यहां पर डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। तो जनरली हमें पता है करंट जो गिवन है वो है आई इक्वल्स टू आई एम साइन अल्फा, द एवरेज वैल्यू ओवर द वन साइकिल
अगर हम साइन वेव के लिए बात करें तो फॉर ए साइन वेव फॉर्म द एवरेज वैल्यू ओवर ए वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, वो क्या होती है, वो जीरो होती है पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर हम साइनसोइडल वेव में एवरेज वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बिकॉज पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ्स कैंसिल आउट। आप देख रहे होंगे ये कंप्लीट साइकिल ये है, तो अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या हैं, सेम हैं, लेकिन निगेटिव हैं, वो सॉरी अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने की वजह से ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दैट मीन्स एवरेज वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, और हम उसको अगर फाइंड आउट करें तो वन अपॉन टी इंटीग्रल फॉर पूरी कंप्लीट साइकिल जीरो टू टी आई एम साइन अल्फा इंटू डी अल्फा इट बिकम्स टू द इक्वल टू जीरो। तो ये आपका फाइंड आउट हो जाता है एवरेज वैल्यू किसी भी साइनसोइडल करंट के लिए या साइनसोइडल वेव के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि ड्रॉ द वी आई करेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। इससे पहले उसने इनको डिफाइन कराया था, एक्सप्लेन कराया था आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को, लेकिन यहाँ पर उसने उसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली है। आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन सा सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जहां पर आपने कोई भी लोड या फिर हम ये कहें कि वहां पर डायरेक्टली आपको पूरा जो वोल्टेज है वो एज इट इज मिल जाएगा, वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। तो दैट मीन्स अगर हम वेव फॉर्म की बात करें तो वी आई दैट्स मीन्स आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो वोल्टेज होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या है, फिक्स रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है करंट क्या है, क्या करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड आपको वोल्टेज सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है। वहीं पर आइडियल करंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो आइडियल करंट सोर्स भी वही है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, चाहे वोल्टेज आपका किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी भी लेवल पर वेरी कर ले, ये इधर आपका आई है। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स जहां पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलती है। तो दिस इज द वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एज वेल एज आइडियल करंट सोर्स। आई होप दोनों करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी और कुछ समझने में इसमें इतना ज्यादा खास नहीं है, या इसमें आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको दोनों वीआई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देनी है। एक नंबर की आपकी ये वी आई करेक्टरिस्टिक है, एक नंबर की आपकी वी आई करेक्टरिस्टिक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। इसमें और ज़्यादा डिटेल में आप लिखेंगे तो 1 से 2 मार्क्स की जगह वो आपको 20 मार्क्स नहीं देंगे एक ही क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 के साथ ये वाली सीरीज भी क्या है, एरोप्लेन में बैठकर उड़ गई है। तो दैट मीन्स ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द दिस लेक्चर, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा या फिर ये सीरीज इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, क्योंकि यही कमेंट्स आपको और हमें कम्युनिकेशन के धागे से बांधे हुए है, यानी कि हमारा आपस में कम्युनिकेशन होता है और हमें एक मैसेज मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम बच्चों तक पहुँचाना चाह रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैटर के फॉर्म में वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है और वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल लग भी रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट वो उनको बेनिफिट पहुंचा भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं आप कमेंट जरूर करें, कोई सजेशन है आपका, कोई फीडबैक आपको देना है तो वो भी बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और इस मुहिम का जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए हमने स्टार्ट की है उसका लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें और एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब वहाँ पर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों का विश्वास हम पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बेहतर हम उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अंत में एक लाइक वाला बटन भी आप प्रेस कर दें, और अगर आपको कोई भी समस्या है स्टडी से संबंधित तो 8273708952 पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं।
बात करने के लिए आप चाहे व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, कॉल का सहारा ले सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज की हेल्प से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जितना आपकी मदद की हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस श्रृंखला के अंतिम पार्ट, पार्ट नंबर 5 में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।